इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर देखिए जिंदगी में ना बड़ा कम मौका मिलता है जब सच में किसी से दिल की बातें होती हैं। और आज दिल की बातें करने के लिए दिल दिया गल्ला के हमारे साथ स्टारकास्ट मौजूद है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंकज सर सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू इंडिया न्यूज लोडी स्पेशल पर आज हमारी बातचीत होने वाली है लेकिन थोड़ी सी बातें दिल से जुड़ी हुई भी करेंगे क्योंकि शो है दिल दियाँ गल्ला मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई क्या सोच के आपने स्क्रिप्ट उठाई कि नहीं ये करना चाहिए आ, मैंने जब जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि तेनालीरामा में जब मैं तथाचार्य कर रहा था सोनी सब के लिए मैंने वो किया था साढ़े तीन साल में जोड़ा रहा बहुत, बहुत 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 प्यार मिला मतलब वो किरदार मेरी झोली में आया मैं वेरी थैंकफुल टू गॉड उसके बाद मैंने टेलीविजन नहीं किया बिकॉज मुझे अब अब मैं आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब क्या अब मुझे क्या मतलब मैं क्या करूँ मुझे क्योंकि तथाचार्य के किरदार जो हमारे नाट्य शास्त्र में नौ रस होते हैं नौ के नौ रस उस किरदार में थे तो मुझे लगा कि अब अब मुझे कौन सा किरदार मिलेगा मुझे क्या करना चाहिए अभी मैं ऐसा कोई और दमदार किरदार क्या मिलेगा मुझे तो मैं थोड़ा फिल्में कर रहा था और कुछ ओ में बिजी हो गया था एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो आते थे टी वी शोज आते थे मैं नहीं करता था बिकॉज मैं थोड़ा सा अलग किस्म का काम करना चाह रहा था चाहता भी हूँ और चाहूँगा भी आ, तो बस वो वेट कर रहा था और वेट चल रही थी तो अचानक ही कुछ शो दो तीन शो इकट्ठे आए तो मैंने आ, समझ में आया मुझे इस शो के बारे में कि नहीं वो जब मैंने इस शो, शो की स्क्रिप्ट सुनी तो पहले तो सबसे पहले मैंने उन दो शो के लिए मना किया और इमीजिएटली मैंने शो के लिए हाँ बोला कि ये बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है बहुत रियल स्क्रिप्ट है बहुत इसमें ह्यूमन इमोशन है रियल ह्यूमन हुम, इमोशन है एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कनेक्ट करती है सीधे जाके ऑडियो बिकॉज बेसिकली आप आप आपकी कामयाबी तब होती है जब आप ऑडियंस के दिल को जाके छूते हैं आपका काम भी तभी कामयाब होता है जब आप ऑडियंस के दिल को जाके छू लेते हैं और अगर आपने ऑडियंस के दिल को छू लिया तो समझ लीजिए आपको सक्सेस मिल गई तो मुझे लगा कि यस दिस इज़ द करेक्टर दिस इज़ द स्क्रिप्ट आई शुड गो फॉर और फिर मैंने इस शो के लिए हाँ बोल दिया जी आ, सर जैसा आपका लुक है तो इसे देखकर हम अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि जैसे हमने देखा भी कि आप जो हैं फैमिली के हेड हैं देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी यहाँ कोई भी एक नॉर्मल फैमिली है उनके बच्चे भी घर से दूर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या एक आ, मतलब नॉर्मल चीज़ों में हम ये देखते रहते हैं कि परिवार से दूर जॉब के सिलसिले में पढ़ाई के सिलसिले में लोग जाते ही रहते हैं और जैसा आपने बताया था कि आपकी निजी ज़िंदगी में भी ऐसा होने वाला है आपके जो बेटे हैं वो भी जाने वाले हैं कितना खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ से कितने जा रहे हैं करते हुए ये शूट आ, अकेले में तो कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं यस yes. मेरा बेटा जा रहा है कैनेडा अभी उसका वीज़ा थोड़ा डिले हो गया तो अभी पास में ही है तो अच्छा लगता मुझे अंदर से तो मैं ये भी सोचता हूँ कि इसका मन यहीं पे पढ़ने को कर जाए लेकिन उसकी पढ़ाई ऐसी है कि उसको जाना ही पड़ेगा एंड uh, मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग है इस मामले में और uh, बहुत मजबूत है मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि उसका कैरियर है उसका फ्यूचर है उसकी ज़िंदगी है उसको अपने रास्ते पे चलना चाहिए मैं ये भी जानता हूँ कि वो कनाडा जाएगा वहीं पे बस जाएगा वहीं का होके रह जाएगा और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उसको मिस भी बहुत करूँगा और मुझे ये भी मालूम है कि एक मेरी लाइफ में उसके बिना एक अकेलापन भी आएगा लेकिन ठीक है मैं उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार भी हूँ क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा बढ़ के देखिए बहुत इमोशनल है ये चीज़ क्योंकि आप किरदार भी ऐसा निभा रही हैं और निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ आपके साथ होने वाली है आ, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे कुछ ऐसा शूट करते कि कोई ऐसा सीन आया तो अचानक से क्लिक करता है कि नहीं ये मेरे साथ भी कुछ वक्त में मेरा बेटा भी जाने वाला है तो उस टाइम कोई भावुक हुए कभी ऐसा कोई कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हो तब कोई ऐसा सीन आया दिलप्रीत सिंह बरार का जो करैक्टर है ना वो बहुत जिद्दी करेक्टर है अनख वाला करेक्टर है ईगोस्टिक करेक्टर है डिग्निफाइड करेक्टर है ठोस करेक्टर है मजबूत करेक्टर है इमोशनल करेक्टर भी है बहुत इमोशनल भी है अंदर से लेकिन ये बहुत उसूलों वाला है तो अपने आप को कंट्रोल रखता है इमोशन अपने इमोशन लेकिन वो चिड़चिड़ा गया है, थोड़ा दिलप्र सिंह बड़ा तो जब मैं इस करेक्टर को करता हूँ तो ऑफ कोर्स ऐसी मोमेंट आती हैं जब मुझे बेटे की याद आती तो वहाँ थोड़ा सा वो वो भाव आ जाता है वो इमोशन आ जाता है लेकिन दिलप्रीत सिंह बरार थोड़ा सा अलग हटके भी किरदार है तो मुझे उस करेक्टर को उस वक्त जी रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ जी आ, सर लोड़ी के मौके पर हम मिलने मिले हैं और लोड़ी पे ही खास बातचीत हो रही है आ, थोड़ी सी आपकी जड़ें पंजाब से भी मिलती हैं तो थोड़ी अगर बात पंजाबी में करें पूरी पंजाबी पंजाबी में तो बहुत आती है ठीक है तो फिर थोड़ी सी अगर हम बात पंजाबी में करेंगे तो लोड़ी आने वाली है कोई बचपन दी याद लोही दी जी मैं न्याणा होता सी ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਸਿਆਂ ਪਲਿਆ ਵਧੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪਿੰਜੌਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਜੌਰ ਕਾਲਕਾ ਉਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੀ ਲੋਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਫਲੀਆਂ ਗਜਕ ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਉਂ ਨਾ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋੜੀ ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਰੇੜੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਗ ਚ तो वो मेरी माँ गाँधी सी तिल सड़े पाप चढ़े तिल सड़े पाप चढ़े तिल सड़े पाप चढ़े ऐसे ऐसे ही कुछ न कुछ 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 वो गाती रहती थी उसके बाद हम लोग निकल जाते थे घरों में मोहल्ले में लोड़ी मांगते थे जाके गा गा के गा गा सुंदर मुंदरी कौन बेचारा हो दुले तीव आई होेर शक्कर पाई हो सालू पाटा होए जीवे चाचा हो चाचा चूरी कुटी हो बला 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 लोहड़ी दो जी लोड़ी दो फिर कभी उस जमाने में दस पैसे कोई देता था कोई पच्चीस पैसे पचास पैसे मिल

हाँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स की जो ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं अभी मिस हो रही है बिकॉज ज़माना फास्ट हो गया है वो ठहराव अभी नहीं रहा है तो अभी जैसे बॉम्बे में लोडी पता ही नहीं वो हाँ कभी के हमारी किसी किसी सोसाइटी में वो एक सब मिलजुल के वो अलाव जला लेते हैं और उस तरीके से लेकिन वो आनंद नहीं रहा जो फेस्टिवल्स का होता है जो जैसे मुझे याद है बचपन की दिवाली वो कमाल एक फेस्टिवल होता था मेरे फादर साहब की प्रेपरेशन चालू हो जाती थी जबकि हम मिडिल क्लास फैमिली से फिर भी मेरे फादर पूरा जितनी जितना वो कर सकते थे वो सजाना वो चीज़ें लाना वो सब वो अभी सब मिस हो रहा है मतलब और पूजा पाठ बहुत होता था वो सब अभी अभी एक ऐसा लगने लगा कि वो जो जो फेस्टिवल जिस तरीके से आन बान शान जो फेस्टिवल्स की थी वो कहीं मिस हो रही जी इंडिया न्यूज़ से बात करके आपको कैसा लगा ये भी जानेंगे साथ में पहले हम चाहेंगे कि आप इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार लोहड़ी की शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी पंकज बेरी की ओर से लोहड़ी दिया लख लख बधाइयाँ स्वस्थ रहो मस्त रहो व्यस्त रहो हमेशा खुश रहो इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और सर से बात करके थोड़े हम भी भावुक हुए सर की बातें जानी और आने वाली लोड़ी है जिसकी शुभकामनाएं भी मिल गई हैं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ